महामंडलेश्वर 1008 स्वामी श्याम चैतन्यपुरी महाराज वृंदावन वाले द्वारा श्री केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा का शुभारंभ किया गया। महाराज द्वारा 31 मई को यात्रा की शुरुआत की गई, जो करीब 15 जून को श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर संपन्न होगी। श्याम चैतन्यपुरी महाराज द्वारा यात्रा के दौरान दिखाए जा रहे दृश्य को देखकर आप भी मानसिक यात्रा का आनंद ले सकेंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। स्वामी श्याम मैं ऋषिकेश से पैदल यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ केदारनाथ तक चार नाम यात्रा कर रहे हैं पैदल। और भी नाम संगत आ रही है गुरु महाराज कृपा नाम गांधी करा दी उसे सामने गुरु महाराज महात्मा भी दिखाई दिया उन्होंने सेवा करने मिली है साधु संतानियां गुरु महाराज इस तरह गांधी करा रखते हैं गुरु महाराज कृपा नाम गांधी करा ये देखिए जंगल में जय भोलेनाथ। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है और इस पहाड़ी के अंदर में एक से एक होटल है, लेकिन हम लोग तो यहीं पर ठहरे। कैसी मंदाकिनी नदी बह रही है आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें आप ये बह रही है बनता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये इसी में हम लोग चाय आय भी बनाएंगे। ये देखें और फाइनली ये जल भी गई और अभी वो इसमें हम लोग चाय रखेंगे, चाय नहीं कॉफ़ी। अब ये सब चीज़ें दूध वगैरह सब हम लोग ऐसी लाए हुए हैं तो ये दूध भी डाल दिया हमने क्योंकि अब जंगल में कहाँ है, देखो पूरा जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल में कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए फिर मन में ऐसा विचार आया सारी। और अच्छा हैरानी वाली बात है कि हमने लाए हुए शुगर फ्री और देखते हैं ये बर्तन मांजने का है। और ये के चम्मच लकड़ी ये देखें ये घुमाया घुमा दिया पोस कर और इसके बाद में जो है ना ये देखो लहरियों नहा रहा है आनंद भाई ने नहा लिया और ये बहुत ही ज्यादा पानी ठंडा है तो ये देखें हाँ बहुत ही ज्यादा पानी ठंडा है। राधा राधा